गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 14th of November 2022। आइए देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.64। हमें यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, एंड पुल बैक इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पुल बैक के बाद जो सेल ऑफ होगा वो अच्छा ट्रेंडेड मूव होगा। डेट बीइंग द केस, कहाँ से हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेन मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये आपका जो लेवल है दैट इज 108.00, दिस इज द फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जहां तक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि क्या ये पर्टिकुलर लेवल तक पुल बैक करने के बाद सेल ऑफ आएगा या नहीं, या सेकंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस वन दैट इज 109.50 से 109.80, क्या यहां से दोबारा सेल ऑफ आएगा। यहां से कंटिन्यूएशंस अगर होगा तो वहां पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन पुल बैक के बाद अगर सेल ऑफ होता है तो वहां पे हमें एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड का गेम हम खेल सकते हैं। डॉलर रुपए में 80.47, तो जो पहले हमारा 80.00 से 80.30 का एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था एंड वो ब्रेक किया था पहली बार आपका 22nd September को, उसके बाद उसके नीचे कभी आया नहीं था एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड एरिया ऑफ सपोर्ट। सो टू बी प्रेसाइज 79.90 से 79.90 से 80.20 is expected to be the good support level. तो यहाँ पे आने के बाद lower time frame में हम retracement वाला trade देख सकते हैं। Price actions देख के हम यहाँ पे थोड़ा सा buying के लिए opportunities ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि blindly हमें buy करना है, थोड़ा opportunities ढूंढेंगे। अगर lower time frame में कुछ प्राइस सेक्शन दिखता है तो बाय करके वहां पे थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहां से जो हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होने वाला है, पहला एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आपका आएगा 81.25 से 81.40 के बीच में। ये यहां से अगर पुल बैक देने के बाद क्या ये इस लेवल से रिजेक्शंस मिलेगा या आपका ये लेवल से रिजेक्शंस मिलेगा, वो हमें आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन के हिसाब से ही एनालाइज करना है। जीबीपी डॉलर आपका अभी है 101.1801। यहाँ पे एनी पुल बैक ऑन लोअर टाइम फ्रेम हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में अभी तक ये हाई को तोड़ा नहीं है, दैट मीन द केस हमें इंतजार रहेगा इस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाने के लिए, देन एंड ओनली देन एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस का कंफर्मेशन होगा। अभी ये 96.25 ऑन द हायर साइड एंड 92.25 ऑन द लोअर साइड, 4 रुपीज में एक साइडवेज मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक आइदर साइड तोड़ता नहीं। यूरो डॉलर काफी उछाल गया था, अभी है 1.0338। दैट बीइंग द केस ये जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1.0375, वहां पे क्या प्राइस रिजेक्शंस लेता है या ऊपर की तरफ जाता है या कंसोलिडेट करता है, दीज आर द 3 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यूरो आईएनआर में ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस कर चुका है, यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए इंतजार करना है। पुल बैक में प्राइस एक्शंस देख के फिर हमें बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। डॉलर येन अभी है आपका 138.95, ये आपका सपोर्ट जोन के आसपास है।
तो हमें देखना है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या डायरेक्ट सेल ऑफ होता है या थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। येन आईएनआर में आपका ये जो रेंज था 0.57 0.54, वो तोड़ के ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद अभी जो इमीडिएटली 0.5815 से 0.5860 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन में लॉन्ग करके फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जमेगा नहीं। वेदर पुल बैक में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। डॉलर कैंडी अभी है 1.3253, तो आपका हम ये जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.31 1.3125 के आसपास। देखते हैं कि डायरेक्टली ये आता है दिस डायरेक्शन की तरफ या थोड़ा पुल बैक करके उसके बाद आता है, इसका प्राइस एक्शन हमें इंतजार रहेगा। ऑसी डॉलर अभी है 0.6698, ये रेजिस्टेंस जोन में अटका हुआ है। अभी हमें देखना है कि ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है या कंसोलिडेट करता है या पुल बैक करके फिर ऊपर जाता है, ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। डॉलर सीएनएच में अच्छा खासा नीचे की तरफ आ चुका है 7.07। ये यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि कंटिन्यू सेल ऑफ होता है या पूरा रिट्रेस करता है। थोड़ा रिट्रेस करने के बाद अगर सेल ऑफ होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए गुड सेल ऑफ, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवार्ड अच्छा जमेगा। यूके ऑयल अभी है 96.52, हमें इंतजार रहेगा ये 99.25 ऑन द हायर साइड एंड 88.80.90 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज के अंदर में एज ऑफ नाउ अटके हुए हैं, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड टू गिव ए क्लियर आइदर साइड मोमेंटम। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी अभी है आपका 3.884, फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद ये गैप अप ओपनिंग दिख रहा है एंड वहीं पे। तो दैट बीइंग द केस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट यहाँ से एक पुल बैक देने के बाद अगर सेल ऑफ आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हियर। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।